इंदौर जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां ओवरटेक के विवाद में आरोपियों ने चाकू और पत्थर मारकर युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार घटना मंगलवार व बुधवार की मध्य रात्रि की है। अन्ना कॉलोनी निवासी विकी अपने सगे भाई आकाश के साथ स्कूटी से अपने दोस्त टोनी निवासी सुपर सिटी कॉलोनी को उसके घर छोड़ने गए थे। टोनी को घर छोड़ने के बाद जब आकाश और विकी अपने घर जा रहे थे, तभी देर रात सुपर सिटी कॉलोनी के जिम के सामने एक लोडिंग ऑटो ने विकी की स्कूटी को ओवरटेक किया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ऑटो में बैठे गोविंद लोधा, लखन रजत, विकी सहित पांच आरोपियों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 2 घंटे के अंदर हत्या की सभी आरोपियों को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आकाश की हत्या से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने के साथ ही उनके मकानों को तोड़ने की मांग की। तुम उसका साथ दे और सच्चाई का साथ नहीं दे। इनका तो दिन क्या हो गया था? सर वो तो गया था, वो अपने पैसे देने गया था। वो तो ये सच्चाई नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए और सारी को फांसी होना चाहिए। ऐसा नहीं एक को सजा होगा, एक को 4 महीने छोड़ दिया, 6 महीने भी, ये नहीं होना चाहिए। जो आ गया है उसको फांसी चाहिए, हमको फांसी के बदले फांसी। आज हमारा बेटा गया ऐसा वो भी चाहिए। आप मृतक के कौन है? मेरा बेटे का साला है, वो मेरी समझन है। आज मेरा बेटा ऐसा, वो भी मेरा बेटा है। मेरा भाई दी दो, मुझे वापस ला के दो, इनको सजा मिलना चाहिए, इनका घर छुड़वा दो। मेरा भाई जैसे कि इनके माँ बाप बेटा चला जाएगा, माँ का भाई चला जाएगा। इनका तो दिल खुल गया, एक के बाद मर्डर करे जा रहे। तो इनको फांसी दे सर, हम तो यही चाहते हैं फांसी के बदले फांसी। वो मकान तोड़े, इनको भी मकान सब तोड़े, इनके भी माँ बाप परेशान होंगे, ये होंगे जब इनको पता चलेगा। हमारा तो चला गया, हमको तो कोई अवेयरने वाला भी नहीं, हमारा तो आदमी भी लंगड़ा लूंगा। बेघर होना चाहिए जैसे महू से सुनील काली की रिपोर्ट।